है तो मैं बोलना शुरू करूं भाई। आपका प्यार, आपका उत्साह मेरी सर आंखों पर, मैंने कहा ना मैं आपके प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं, लेकिन मैं बोल ही ना पाऊं। इतना उत्साह करोगे तो इतने लोग हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुझे चिंता सबकी है, आपकी भी है। धन्यवाद भैया। हमारी सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य का लगातार विस्तार करने में जुटी है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका पर्यटन की है, यात्रा की है, यात्रा धामों की है। ऋषिकेश तो आसपास के कई राज्यों के लिए, वहां के लोगों के लिए पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। और एक जमाना था जब योग की पूरी दुनिया में धूम नहीं थी, तब भी दुनिया के कई देश के लोग जिज्ञासु के नाते योग के लिए ये हमारे ऋषिकेश आया करते थे। मुझे याद है, बहुत पुरानी घटना है, मैं एक बार यूएसए गया था। अब मुझे वो इतना इंटीरियर इलाके में मैं गया था कि मुझे कोई वेजिटेरियन खाना में तलाश रहा था। अब मुझे कहीं अता पता ही नहीं मिल रहा था इतने में एक छोटी सी दुकान में एक अमेरिकन नागरिक छोटी दुकान लेके बैठा हुआ था, लेकिन उसके गले में तीन चार रुद्राष्टी मालाएं थी। तो मैं उसके पास चला गया तो उसने भी नमस्ते करके मुझे मेरा स्वागत किया। फिर मैंने उसको मेरी कठिनाई बताई तो उसने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं आपके लिए कोई प्रबंध करता हूं। और उसने मुझे अपने तरीके से कुछ वेजिटेरियन बना के खिलाया। और उस समय मेरी उससे बातें हुई कि आपने सब कहां से सीखा है ये माला वाला, तो बोले मैं बहुत सालों से ऋषिकेश जाता आता रहता हूं, बस उसी के कारण मेरी जिंदगी में ये बदलाव आया है। ये ताकत है इस भूमि की, ये सामर्थ्य है इस भूमि का। भाइयों बहनों, पर्यटन के क्षेत्र में कोई ऐसा एडवेंचर टूरिज्म हो तो हमारा उत्तराखंड है। राफ्टिंग करना हो युवाओं को यहां है, कैंपिंग करना हो दिलचस्पी अगर उसमें है तो यहां पर है, या फिर आध्यात्म और योग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो, ऋषिकेश आकर हर कोई आनंद से भर जाता है। भाजपा सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। इसके लिए हमारा फोकस इस बात पर है कि देश के किसी भी हिस्से से पर्यटकों के लिए उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचना आसान होना चाहिए। इसलिए हम देवभूमि में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज की लगातार सुविधा बढ़ाते जा रहे हैं। यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली से देहरादून की दूरी भी सिमट रही है। उत्तराखंड के जिन सीमावर्ती गांवों को कांग्रेस अंतिम गांव कहती थी, भाजपा उन्हें देश का पहला गांव मानकर विकास कर रही है।
आपने देखा होगा मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रॉप वे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। सड़क के रास्ते जो दूरी तय करने में कई कई घंटे लगते थे उसे कुछ ही समय में पूरा कर लिया जाएगा। चार धाम परियोजना के तहत केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री को लगभग 900 किलोमीटर लंबे हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इन सब प्रयासों से श्रद्धालुओं को उत्तराखंड पहुंचने में काफी आसानी हो जाएगी। ये इसलिए हो रहा क्योंकि भाजपा की नीयत सही है और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों 2027 तक केदारनाथ में एक साल के भीतर करीब 5 लाख श्रद्धालुओं को पहुंचने का रिकॉर्ड था। पिछले वर्ष करीब 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी चार धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। अब उत्तराखंड के स्टार्टअप की खबरें आती हैं। उत्तराखंड के नौजवानों ने 1000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं। इसमें भी लगभग आधे यानी करीब 500 स्टार्टअप्स उत्तराखंड में हमारी बेटियां उसका नेतृत्व कर रही है। गर्व होता है इन बातों से। मुद्रा योजना से लाखों नौजवानों को बिना गारंटी के ऋण मिले हैं। ये पैसा टूरिज्म से जुड़े हुए काम जैसे होम स्टे गेस्ट हाउस दुकान ढाबा बहुत बड़ी मात्रा में इसे बनाने में ये धन काम आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का
2600 करोड़ रुपए से अधिक